हमने जब ढूंढना स्टार्ट करा तो एक कट्टा और देखा, जैसे ही हमने वो खोला उसके अंदर भी गौ माता के अवशेष थे। उसके बाद जब हमने नज़र पड़ी है तो वहाँ पे देखा कि बदबू स्मेल आ रही थी, तो सामने उस लड़की के पैर दिख, लड़की थे लड़का था जो भी हो डेड बॉडी, उसके पैर दिख रहे थे। ढूंढ तो रहे थे हम अपनी गौ माता को, लेकिन हमने यहाँ पे एक मतलब कि इंसान की डेड बॉडी निकल ली है, लेकिन सहयोग नहीं करती पुलिस हमारे साथ। हम उनके साथ कर लेंगे, हम इंसानियत दिखा लेंगे, लेकिन हिंदुओं की सरकार होते हुए भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और प्रशासन भी हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है कि एफआईआर होने के बाद भी इसमें जांच नहीं, नाले की जांच नहीं करी जा रही। मीटिंग अंदर ही, थाने के अंदर मीटिंग होकर सब कुछ निपट जाता है, बाहर कुछ नहीं आता। बाहर आती है सिर्फ ये भीड़ जो बेचारी डंडे खाती है, लात घूंसे खाती है और झूठे मुकदमे खाती है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया जब दिल्ली के करावल नगर में एक डेड बॉडी मिली। जी हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पर 3 से 4 गायों का सर मिला था, जिसके बाद यहाँ पर कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए लगातार उस चीज़ को लेकर, जो है थाने में कंप्लेन लिखाई। तो आज गौ रक्षक दल के जो लोग हैं उन लोगों ने फिर से एक बार उसी तालाब के किनारे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर गाय तो नहीं मिली, लेकिन उसके बदले में एक शव मिला है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस को अभी नहीं पता कि जो डेड बॉडी मिली है वो किसके मिली है, क्योंकि डेड बॉडी की हालत जो है पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है, पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम दक्ष चौधरी है। अच्छा दक्ष जी, एक बात बताइए, आज जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, क्या ढूंढ रहे थे? यहाँ पे एक हफ्ते पहले 3 से 4 गौ माता के शीश मिले थे जो कि यहीं से निकाले गए थे। उसका हमने जो गौ सेवक जितने भी खड़े इन्होंने प्रोटेस्ट भी करा उसके लिए। उसके बाद उल्टा लाठीचार्ज हम पे ही हुआ, पुलिस ने हमारे साथ ही अभद्र तरीके से बदतमीजी करी। 2 दिन पहले यहाँ पे फिर से दो मिले थे ना, दो शीश और मिले गौ माता के। आज जब यहाँ पे हम आए यहाँ पे तो आज भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसओ साहब ने कोई नहीं करा, सिर्फ लतकार के और थुतकार के हमें भगा दिया गया। हमने एक बार कोशिश करी कि क्यों ना एक बार और जाके देखो इस नाले की जाँच की जाए। जब नाले पर हम पहुँचे हमने तलाशी करना स्टार्ट करा तो कुछ ये अपने भाई हैं जिन्होंने देखा कि भाई कट्टा पड़ा था और कट्टे के 10 जहाँ पे बॉडी मिली है, बॉडी से 10 कदम पहले कट्टा था गौ माता का, उसमें से खोल के देखा तो उसमें गौ माता के कुछ शीश थे। उसके बाद जब इन्होंने कट्टा देखा, जब नज़र पड़ी इधर की साइड में तो जो डेड बॉडी है उसका पैर नज़र आ रहा था, तो इन्होंने शोर मचाया कि भाई यहाँ पे कोई डेड बॉडी भी है। फिर जब जैसे ही पब्लिक सारी इकट्ठी होती गई और जब उसकी क्लियरफाई करा गया तो उसमें डेड बॉडी थी। ये क्लियर हुआ नहीं है कि वो डेड बॉडी किसी लड़की की है, किसी लड़के की है, आदमी औरत तो कौन है, अभी ये क्लियरफाई नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक हफ्ते पहले यहाँ पर जब गौ माता के शीश मिले थे उसके बाद जब एफआईआर हुई लेकिन उसमें कोई जांच क्यों नहीं की गई, जो लापरवाही जो बढ़ती गई है प्रशासन की ओर से। अच्छा आप बता रहे कि आज भी जो है एक कट्टे में भरा हुआ था, तो आज भी मिला है? आज भी ही मिला है, आज भी वही हम जैसे जैसे मिलते गए हम ढूंढते गए। 3 से 4 जगह, कहीं लबारा कहीं बछड़ा। हमने जब ढूंढना स्टार्ट करा तो एक कट्टा और देखा, जैसे ही हमने वो खोला उसके अंदर भी गौ माता के अवशेष थे। उसके बाद जब हमने नज़र पड़ी है तो वहाँ पे देखा कि बदबू स्मेल आ रही थी, तो सामने उस लड़की के पैर दिख, लड़की थी लड़का था जो भी हो डेड बॉडी, उसके पैर दिख रहे थे। जब इन लोगों ने जब देखा जाके तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्वेश्चन ये उठता है कि जो एसएचओ साहब हैं, जो हमारे जिनको एक हफ्ते पहले भी हमने एफआईआर दी थी, जिन्होंने कोई अभी तक कोई जांच नहीं हुई, कोई कहीं पे कोई ना इस नाले की जांच कराई, कोई एमसीडी कोई टीम। आपको जो है किस पे संदेह है, क्योंकि बार बार इस तरह से गायों का सर कटा हुआ मिलना, उनके अवशिष्ट पदार्थ मिलना, ये जांच तो पुलिस का काम है ना। आप मेरी बात समझो कि अगर हमें पता होता तो फिर हमें ज़रूरत क्या पड़ती पुलिस की, हम खुद ही कर देते कार्रवाई। हमने प्रशासन इस चीज़ को देखे ना कि भाई जो ये कंटिन्यू घटना घट रही है और लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है कि एफआईआर होने के बाद भी इसमें जाँच नहीं, नाले की जाँच नहीं करी जा रही। आप समझो, ये सुबह से यहाँ पे बच्चे ये भाई हमारे खड़े हैं जो ये अच्छे तरीके से आपको बताएंगे किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है सर? राहुल पचौरी, गौ सेवक नाम है अपना। अच्छा राहुल जी, क्या कहेंगे, आज जो है यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, इससे पहले लगातार एक के बाद एक जो है गौ माता के सर मिलते हैं। देखिए पिछले 6 महीने की मैं तो बात करूँगा क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और लोकल में मैं यहाँ का सारा देखता हूँ। पिछले 6 महीने के अंदर यहाँ आज तीसरी बार शव मिला है और इसके साथ साथ में गौ कसी के मामले तकरीबन 16 या 17वां मामला है जो गौ कसी का है, लेकिन जो गौ रक्षकों के कानों में आ जाता है वो लोगों के बीच में आ जाता है और जो पुलिस के पास जाता है वो तो साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच में उन मामलों को लाने नहीं देते हैं। अभी लास्ट टाइम मुझे पता लगा था कि यहीं पे दो गाय काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों ने उन मामलों को बिल्कुल साइलेंट कर दिया। आज का मामला ये 25 तारीख का मामला है, जब हमें 7 गौ माता और गौवंशों के अवशेष मिले। उसके अगले दिन 2 अवशेष हमें फिर मिलते हैं और आज हमारा 3रा दिन था जब हमारा थाने का घेराव था। तो सुबह सुबह हमें सूचना मिलती है कि एक गौ माता और एक गौवंश की चमड़ी और कुछ सर पड़े हुए हैं, उनका भी हम अंतिम संस्कार करके आए। लेकिन सवालिया निशान है और सीधे क्षेत्रीय पुलिस पर आ जाता है। कहीं ना कहीं जो SHO हैं, SHO साहब से हम सुबह से बार बार मांग कर रहे थे कि आप इस नाले की सफाई करिए, क्योंकि बार बार हमें संदेह पैदा हो रहा था कि इसमें कुछ और अवशेष अभी हैं, क्योंकि मान कर चलो कल फिर अवशेष निकलते हैं। तो पुलिस का कहना है एक ही बस बात होगी कि ये तो पुराने वाले ही हैं। तो हम उस पुराने वाले को ख़त्म करने के लिए इस नाले की सफाई चाहते थे। जब पुलिस वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी तो हम ज़मीनी स्तर पर खुद लाठी डंडे लेके इस नाले की सफाई करने आए थे। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे जो लगे हुए थे, जिनका बेचारों को कोई काम नहीं, काम पुलिस का, उस काम को आज हमने करा। तो मैं तो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से ये कहता हूँ कि जिन गौ सेवकों पर आपने डंडे बरसाए, लाठीचार्ज की और हमारे चोटें आई, उसके बावजूद उन गौ सेवकों ने आज तुम्हें ऐसा केस फाइनल करके दिया है। तो आप खुद सोचिए ना, जिस गौ सेवकों पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं वो लाठीचार्ज के हकदार हैं। यहाँ पर उन्हें फूल के पहना के उनका सम्मान अधिकारियों को करना चाहिए। एसीपी साहब भी अभी आए थे, एसीपी साहब से साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है वो ना कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं। जी देखो, दिल्ली पुलिस तो अपनी नाकामियों को छुपा रही है, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं क्या नाम है गाय का अवशेषों को खुद ही उठा के खुद ही डिस्पोज करने से। लेकिन देखो, नाकामी छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार अधिकारियों से एक ही बात कहता हूँ कि जब ऐसी हरकतें बार बार क्षेत्र में होगी, वो भी वहाँ जहाँ हिंदू बहुल इलाका है। तकरीबन अगर इस महीने की, तो इस महीने में जो है कितने गायों के सर कटे हुए आज अभी इन 3 दिनों की बात कर ले, क्षेत्र की, इस क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से आधे किलोमीटर दायरे की मैं बात कर लेता हूँ। आधे किलोमीटर के दायरे में इन 3 दिनों में तकरीबन 13 से 14 गौवंश और गौ माताओं के अवशेष मिल चुके हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के मुंह पे बहुत तगड़ा तमाचा है उन कसाईयों द्वारा जो लगातार इस क्षेत्र के अंदर गौ कसी कर रहे हैं। और आज से 2-2.5 महीने पहले का मामला है, जब हमारी 3 गौ माता यहीं से तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर काट दी गई थी, जब भी पुलिस प्रशासन द्वारा सिर्फ एक बात कही गई थी कि इसके क्या प्रूफ है कि ये गाय का मांस है, जबकि साफ पता लग रहा था कि जो धड़ हैं वो गौ माता के हैं, गौ वंशों के हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बार बार गौ सेवकों की आवाज़ दबाता है, चाहे वो लाठीचार्ज करके हो, चाहे उन मामलों को दबा के हो। क्या नाम है आप? मेरा नाम पराग सोलंकी बाबा। अच्छा पराग जी, क्या कहेंगे इस तरह से लगातार दिन से यहाँ पे मौजूद हूँ, मतलब कि यहाँ पे 24 तारीख को मिले 700, ठीक है, फिर 26 तारीख को मिले 200, फिर 27 तारीख को, आज 27 तारीख को सुबह में मिले और अब भी मिले। मतलब कि 3 दिन से लगातार यहाँ पे गो तस्करी इस प्रकार से हो रही है कि इसकी तादाद नहीं बता सकते हम संख्याओं में, जो हमें मिल जाता है तो मिल जाता है, लेकिन वो नहीं पता। अब से 4 से 5 महीने पहले भी जो यहाँ के SHO है करावल नगर के, नफी सिंह जी, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत तो कभी करते नहीं। गो तस्कर जो गो सेवक होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम ही गो तस्कर हो, हम ही गाय काटते हो और हम अपनी गाय माता के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ना हमारा कोई मान सम्मान, हमारे पे लाठीचार्ज होता है, हमारे पे लाठी डंडे बजते हैं, हमको ये ऐसे मतलब कि बदसलूकी करी जाती है हमारे साथ। आज भी आप देख सकते हो, एक राष्ट्र के नाते, हमने गौ माता के नाते ढूंढ तो रहे थे हम अपनी गौ माता को, लेकिन हमने यहाँ पे एक मतलब कि इंसान की डेड बॉडी निकल ली है, लेकिन सहयोग नहीं करती पुलिस हमारे साथ। हम उनके साथ कर लेंगे, हम इंसानियत दिखा लेंगे, लेकिन हिंदुओं की सरकार होते हुए भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और प्रशासन भी हमारे पे अत्याचार कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं तो आपके पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होगे सभी भाइयों, SHO थाने का जो करावल नगर के SHO है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ मतलब कि सस्पेंड के ऑर्डर ही निकलने चाहिए। आला अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इतनी भारी मात्रा में बच्चे से लेकर बूढ़े तक का पूरा करावल नगर परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, गो तस्करी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अपराध सबसे ज़्यादा, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बताओ हम जाए तो जाए कहाँ पे जाए? यही हमारे पास एकमात्र साधन है, सोशल मीडिया और पत्रकार महोदय, जिनके माध्यम से ये आवाज़ पूरे भारत के अंदर जा सकती है। मैं ये कहना चाहूँगा, जरा सोचिए, जिस तरह भारत के अंदर गाय के ऊपर गाय को काटना या फिर उसके मीट को बेचना जो है प्रतिबंध किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार 16 दिन के अंदर जो है 4-5 गायों के सर कटे हुए मिलना, कितनी शर्म की बात है। एक बात बताइए, एक सवाल और जानना चाहूँगा, जिस तरह से गाय प्रतिबंध है भारत के अंदर उसे काटना, उसके बावजूद भी काटना, क्या ये उकसाने के काम की जा रही है? उकसाने के साथ साथ सबसे बड़ी, मैं फिर कह रहा हूँ, नाकामी भी इसमें प्रशासन और सरकार की। आप मुझे एक बात बताइए, जब गृह मंत्री केंद्र गृह में सरकार किसकी है? बीजेपी की। पूरे देश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। उसके बाद भी एक कलम नहीं लाई जा रही कि राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं गौ माता को, उसके बाद कैसे गौ तस्करी हो जाएगी और उसके बाद कहाँ गौ माता की हालत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी नाकामी जो एक पर्दा लोगों के चेहरे पर डाल दिया है ना कि भाई बीजेपी की सरकार है और इसमें आप हिंदुओं का पूरा, हिंदुओं की सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाता है कि जब तक गौ माता की इस तरीके से हत्या और इस तरीके से गौ तस्करी होती रहेगी तो हिंदू के लिए कोई ये अच्छी बात नहीं है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आना, क्या इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने विधायक से बात की, डीसीपी से बात? इस चीज़ को लेकर हमने हर जगह धरने दे लिए। विधायक जी फ़ोन पे बात करा देते हैं, फ़ोन पे, क्योंकि मीटिंग अंदर ही थाने के अंदर मीटिंग होकर सब कुछ निपट जाता है, बाहर कुछ नहीं आता। बाहर आती है सिर्फ ये भीड़ जो बेचारी डंडे खाती है, लात घूंसे खाती है और झूठे मुकदमे खाती है। ये तो बच्चे हैं, इसमें आप देखो 18-18, 20-20 साल के बच्चे जिन्हें यही पता नहीं है कि भाई क्यों, सिर्फ वो निस्वार्थ सेवा कि उनके अंदर एक ये अपनी गौ माता को लेकर आस्था है, प्रेम है कि हमारी गौ माता है, इसे हम पूछते हैं, वो यहाँ पे हैं। लेकिन जो अंदर थानों के अंदर मीटिंग है, बड़े बड़े विधायकों की मीटिंग चलती है, जो बड़े बड़े संगठन वालों की मीटिंग चलती है ना, उसकी वजह से ये आज गौ माता राष्ट्रवाद नहीं बन पा रही। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जरा सोचिए किस तरह से जो है ये पूर्वी दिल्ली का करावल नगर, और यहाँ पर जो है ये करावल नगर विधानसभा जो इसके विधायक हाजी यूनिस है, उनके बावजूद जब यहाँ से लोग उनके पास पहुँचते हैं, इन लोगों की फरियाद नहीं सुनी जाती, बात नहीं सुनी जाती। और इस नाले के अंदर लगातार किस तरह से कभी गाय के कटे सर मिलते हैं तो कभी जो है डेड बॉडी मिलता है, और उसके बावजूद भी किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती। जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो जवाब क्यों नहीं दिया जाता। आखिर ये नाला जो है खूनी नाला कैसे बन गया है, जिस नाले में गंदे पानी बहने चाहिए उसके अंदर जो है गाय माता का खून कैसे बह रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।